आइए दोस्तों, ईआर अमृत शर्मा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। और आप लोग को यहाँ पे हम लोग 10.1 को 10.2 बना दिया गया था, अब यहाँ पे हम लोग 10.3 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 10.3 में आप लोग का 1 2 3 4 5 6 बता दिया गया था। ठीक है, अब 7 नंबर से कंटिन्यू करते हैं। 5 और 6 को दो तरीका से बताया गया था, एक एक्स मान के और एक सौ मान के। ठीक है, आप लोग इसको देखिएगा तो एकदम मन खुश हो जाएगा। ठीक है, इतना बढ़िया से इसको समझाया गया है। दो क्वेश्चन आप लोगों को दो दो तरीका से बताया गया है, अगला भी दो क्वेश्चन दो दो तरीका से बताया जा सकता है, लेकिन टाइम लगेगा, इसलिए आप लोगों को मात्र एक ही क्वेश्चन एक ही मेथड के द्वारा बताया जाएगा। ठीक है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल पर 10% भट्टा देने के बाद 26% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल 280 रुपया है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अंकित मूल यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, अंकित मूल 280 दिया है और अंकित मूल पर 10% का भट्टा दिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अंकित मूल यहाँ पे दिया है 280 रुपया। ठीक है, अंकित मूल दिया है 280 रुपया, तो अंकित मूल 280 रुपया लिख दिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए इसमें कह रहा है क्या कि अंकित मूल पर 10% का भट्टा दिया जा रहा है। ठीक है, जब अंकित मूल पर 10% का भट्टा दिया जा रहा है, तो भट्टा दिया जा रहा है यानी भट्टा दे के उसको क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है ना। तो जब बेचा जा रहा है तो विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्या चीज़, अंकित मूल्य गुना 100 माइनस बट्टा में क्या हो जाएगा, 100 100 लिख दीजिए। देखिए अंकित मूल कितना है, अंकित मूल 280 रुपया है, गुणे 100 में से कितना घटाइएगा, 100 में से घटाइएगा, 10% का बट्टा दिया जा रहा है ना, तो 10 घटा दीजिए, 10 घटा दीजिए, और बट्टा में क्या है 100, तो 100 लिख दीजिए। अब क्या होगा कि 280 गुणा घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 90, बट्टा में क्या हो जाएगा 100। अब 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, अब गुना कर दीजिए, गुना करिएगा तो आ जाएगा आपका 28 नवा। ठीक है, 28 नवा गुना करिएगा तो आ जाएगा 252। ठीक है, 252 रुपया गुना कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 2 18 और 7 25। ठीक है, 252 रुपया आ गया। अब देखिए हमको पूछा है यहाँ पे क्या, क्रय मूल्य पूछा है, तो मानेंगे कि माना क्रय मूल्य जो है एक्स है, एक्स है। ठीक है, क्रय मूल्य एक्स है, जब क्रय मूल्य एक्स आ गया तो अब देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य जब यहाँ पे एक्स आ गया है ना, तो अब देखिए विक्रय मूल्य हम निकालेंगे। तो देखिए एक और फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पिछला वीडियो में हम बताए होंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में बताए हैं वहाँ पे कि विक्रय मूल्य बराबर होता है क्या चीज़, कि क्रय मूल्य गुने 100 जोड़ लाभ प्रतिशत। देखिए लाभ बोल रहा है कितना, 12 कितना का, 26% का लाभ बोल रहा है। ठीक है, तो इसलिए लाभ परसेंट बट्टा में क्या होगा, 100। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य एक्स है गुना 100, आ जोड़ लाभ कितना दे रहा है, 26% लाभ दे रहा है, बट्टा में क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, अब देखिए एक्स गुना 126 बट्टा में क्या हो जाएगा, 100। अब देखिए जो कटने वाला है उसको कटा दीजिए। देखिए यहाँ पे नहीं, देखिए इतना, देखिए सॉरी, यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, हमारा विक्रय मूल्य आ गया, ये पूरा क्या हुआ, विक्रय मूल्य आ गया। देखिए कटने वाला है तो कटा भी सकते हैं, नहीं तो ये सही रहने दीजिए। देखिए ये भी विक्रय मूल्य आ गया 126, एक सौ, इसको पूरा करिएगा तो 126 एक्स बट्टा में क्या हो जाएगा, 100 बट्टा में 100 हो गया। देखिए अब ये हमारा विक्रय मूल्य हुआ, और ऊपर वाला भी क्या आया था, विक्रय मूल्य, अब ये भी विक्रय मूल्य है। देखिए ये भी विक्रय मूल्य आया था, विक्रय मूल्य निकाले थे, ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है। अब दोनों को जब इक्वल कर देंगे तो हमारा एक्स का मान आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये भी विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य, ये वाला भी विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, तो लिखेंगे कि विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्या चीज़, विक्रय मूल्य। तो देखिए ये वाला विक्रय मूल्य हमारा कितना आया, 126 एक्स बट्टा में 100 बराबर, इसका विक्रय मूल्य कितना आया था, 252, तो लिख दीजिए 252 रुपया। अब इसको देखिए एक्स का मान निकालिए, तो एक्स 252 गुणा 100 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में, ये क्या है भाग, गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। अब इसको कटा दीजिए,
कटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका कट जाएगा 26, 6 दूना 12 और 2 दूना 4 1 5 है तो एक दो मरतब में कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 200 रुपया हमारा जो है क्राई मूल आ जाएगा, 200 रुपया क्राई मूल। ये थोड़ा हम एक अलग तरीका से बता रहे हैं, ठीक है आप लोग को। देखिए यहाँ पे कितना सिंपल वे में आप लोग समझ सकते हैं। देखिए आप लोग एक बार समराइज कर देते हैं। देखिए सबसे पहले अंकित मूल दिया है तो अंकित मूल रख दिए, विक्रय मूल निकाल दिए क्योंकि यहाँ पे अंकित मूल दिया है तो विक्रय मूल निकाल दिए। आइए फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख दिए। अब उसके बाद विक्रय मूल सिंपल यहाँ पर निकाल दिए। जब यहाँ पर विक्रय मूल आ गया, अब वहाँ पर विक्रय मूल हमारा आ गया, अब क्रय मूल मानते हैं एक्स क्योंकि पूछा है कि क्रय मूल निकालना है, क्रय मूल एक्स। तो विक्रय मूल बराबर होता है, फॉर्मूला है क्रय मूल गुणे 100 जो लाभ प्रतिशत बट्टा में 100, ठीक है बटा में 100 कर दिए। अब क्रय मूल है हमारा एक्स है और ये 100, लाभ कितना हो रहा है 126 का लाभ हो रहा है तो 26 का लाभ हो रहा है तो 26 और गुणे में बट्टा में 100 है। अब विक्रय मूल बराबर एक्स एक्स है जोड़िएगा तो 126 हो जाएगा बट्टा में 100, तो ये पूरा विक्रय मूल हमारा हो गया 126। देखिए ये भी विक्रय मूल और ऊपर वाला भी आया था, ये भी विक्रय मूल, ये दोनों विक्रय मूल को क्या कर दिए इक्वल कर दिए, एक्स का मान हमको निकालना है तो दोनों को इक्वल कर दिए तो हमारा एक्स का मान आ गया तो 200 आ गया आंसर। ठीक है सिंपल है क्वेश्चन, कोई हार्ड नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान के मूल्य को इस तरह अंकित करता है कि 12.5% बट्टा देने पर भी उसे 10% का लाभ होता है, यदि सामान का क्रय मूल्य जो है 245 रुपया है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए क्रय मूल्य हमारा दे दिया है, सिंपल क्रय मूल्य दे दिया है, अब उसी के हिसाब से बनाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले क्या किया है कि क्रय मूल्य दे दिया है, तो क्रय मूल्य दे दिया है तो क्रय मूल्य लिख दीजिए, क्रय मूल्य कितना दिया है 245 रुपया। उसके बाद लाभ दे रहा है, इसमें देखिए लाभ दे रहा है कितना 10% का, तो लाभ लिख दीजिए 10%। और बट्टा दे रहा है कितना, तो बट्टा दर दे रहा, सॉरी बट्टा दर है ना, हाँ बट्टा दर है, तो बट्टा दर दे रहा है 12.5%, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर विक्रय मूल्य हमको निकालना हो तो विक्रय मूल्य आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो विक्रय मूल्य निकालते हैं सबसे पहले कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य दिया इसलिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बट्टा में क्या होगा 100। ये क्रय मूल्य दिया है कितना हमारा 245, तो 245 गुना में 100 जोड़ लाभ कितना है 10%, तो 10% बट्टा में क्या हो जाएगा 100। अब इसको कटाइए, 245 गुने 110 बट्टा में क्या हो जाएगा 100, 10 से 10। अब देखिए आप इसको गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पिछले वाला में भी गुना भी कर सकते हैं, लेकिन क्या ज़रूरत है गुना करने का, जब इतना ही हमारा आ जाएगा तो गुना करने का, आखिर कटाना ही है तो गुना नहीं किया जाएगा, तो इतना बट्टा 10 इतना ही रहने देते हैं। विक्रय मूल्य हमारा इतना आ गया। अब जब हमारा विक्रय मूल्य इतना आ गया, अब क्या करते हैं कि हमको देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, एक तो विक्रय मूल्य हमारा ये निकाल दिए, अब देखिए बट्टा दर भी पूछ रहा है, यहाँ पे बट्टा दर भी आ रहा है, तो मान लीजिए कि एक और विक्रय मूल्य बराबर निकालते हैं, अंकित मूल्य दे रहा है बट्टा भी दे रहा है, तो एक और विक्रय मूल्य जो निकालते हैं, एक वाला विक्रय मूल्य निकल गया जो क्रय मूल्य पर है, अब एक विक्रय मूल्य निकालेंगे जो अंकित मूल्य पर होगा, ठीक है। तो देखिए अंकित मूल्य ही हमको निकालना है ना, तो हम लिखेंगे फिर एक और क्वेश्चन, एक और की फॉर्मूला कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य गुने 100 माइनस बट्टा दर, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 100। अब देखिए विक्रय मूल्य हमारा कितना आया है, ये अभी निकाले हैं हम लोग, तो विक्रय मूल्य आया है तो विक्रय मूल्य के स्थान पर रख देते हैं। तो देखिए विक्रय मूल्य के स्थान पर रख दिए, 245 गुने 11 अब बट्टा 10। अंकित मूल्य हमको निकालना है तो अंकित मूल्य रहने देंगे, अंकित मूल्य रहने देंगे गुना 100 घटाओ बट्टा दर हमारा कितना है, तो देखिए बट्टा दर आया है 12.5%, तो लिख देंगे 12.5% और बट्टा में क्या हो जाएगा 100, तो 100, ठीक है। अब देखिए ये 10 से 10 कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहता है, ठीक है क्योंकि इक्वल है तो कट जाता है, तो 245 गुने में 100 बराबर देखिए अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य और गुणे इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, इसको घटाइएगा तो 87.5 आ जाएगा, ठीक है 87.5 आ गया। अब देखिए अभी यहाँ पे 10 है यहाँ पे, तो 10 मतलब 10 है और इसको हटाइएगा तो क्या होगा 10 और आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये जो है भाग में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, तो इधर इसको भेज दीजिए गुना में, यानी 245 गुने 11 गुना में क्या हो जाएगा 100। अब बटा ये देखिए गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में,
तो 875 हो जाएगा, बराबर ये हो गया क्या, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। अभी सिंपली इसको काट दीजिए, आ जाएगा हमारा आंसर। देखिए यहाँ पे कैसे काटिएगा, 5 से काटिए सबसे बढ़िया, 5 से देखिए, या 25 से काटिएगा तो और आसान से कट जाएगा। देखिए 25 चौका 100 है और इसको 25 से काटिए तो 25 तिहाई 75, बच कितना रहा है 75, और ये बच रहा है हमारा, देखिए यहाँ पे कटा देते हैं आप लोगों को, भाग देते हैं। देखिए यहाँ पे 25 तिहाई 75, ये बचेगा आपका 2, ये बचेगा 1, ये 25, 25 पचे 125, यानी 35 मरतब में आ गया। ठीक है, अब ये कट गया 25 से, अब इसको 5 से, इसको भी 5 से काटिए, 5 सते 35, अब इसको 5 चौका 20, 5 नवा 45, अब 7 से कटेगा तो 7 सते 49, अब बचा हमारा क्या यहाँ पे, ये तो गुणा है, यहाँ पे गुणा यहाँ पे रखिएगा, अब ये बचा क्या हमारा, तो यहाँ पे देखिए बचा है यहाँ पे 7 × 11 × 4 बराबर क्या चीज़, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। अब इसको सीधा कर दीजिए सबसे बढ़िया, कि अंकित मूल्य बराबर 7 चौका 28, 28 में क्या करिएगा 11 से गुणा कर दीजिए, 28, और ये हो जाएगा 28 यानी 0, 308, तो 308 रुपया जो है हमारा क्या हो जाएगा, अंकित मूल हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल वे में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया है ना। देखिए एक बार और समराइज कर देते हैं, देखिए कुछ नहीं है, क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिख दिए हैं, पहले एक बार विक्रयमूल लिखे हैं, तो विक्रयमूल लिखे हैं किस लिए, क्योंकि क्रयमूल दिया है, तो विक्रयमूल का फॉर्मूला होता है क्रयमूल गुणे 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बट्टा 100। आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे उसको देख लीजिएगा ना, सब समझ में आ जाएगा, सब फॉर्मूला भी लिखे गए हैं। ठीक है, फॉर्मूला एक ही ये फॉर्मूला होता है, फिर विक्रयमूल बराबर हमारा इतना है, हम गुना नहीं किए हैं वैसे ही रहने दिए हैं, क्योंकि काटना है हमको, क्या जरूरत है गुना करने के लिए, ठीक है, तो वैसे ही छोड़ दिए। उसके बाद विक्रयमूल बराबर होता है अंकित मूल गुणे 100 − 100। अब देखिए विक्रयमूल बराबर इतना आया है तो विक्रयमूल बराबर इतना लिख दिए हैं, और इसको ज्यों का त्यों जो है उसको लिख के और सिंपली जो है उसको कटा दिया है, हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि एक दुकानदार अंकित मूल पर 13% का बट्टा देने के बाद 16% का लाभ प्राप्त करता है, यदि उसका लाभ 30 रुपये हो तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अंकित मूल पर 13% बट्टा देने के बाद 16% का लाभ कमाता है, और लाभ हमारा दे दिया है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है ना, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में मानेंगे कि अंकित मूल्य जो है एक्स है। ठीक है, जब अंकित मूल एक्स है तो हम क्या करेंगे कि विक्रय मूल्य, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखिए कह रहा है कि अंकित मूल पर 13% का बट्टा दिया जा रहा है, तो बट्टा दिया जा रहा है यानी बट्टा दे के उसको क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा, तो विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणे 100 − बट्टा दर, बट्टा में क्या हो जाएगा 100, तो 100, देखिए अंकित मूल कितना है एक्स है तो एक्स, और 100 − बट्टा दर कितना है 13 बट्टा में 100 हो जाएगा, अब घटाइएगा तो एक्स और गुणा में क्या हो जाएगा 87 बट्टा में क्या 100, यानी 87 × 100 विक्रय मूल्य हमारा इतना आ गया। ठीक है, अब देखिए विक्रय मूल्य हमारा इतना आ गया, अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए उसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि 16% का लाभ प्राप्त करता है, तो जब 16% का लाभ प्राप्त करता है तो सबसे पहले उसका क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो निकालेंगे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला हम पिछला वीडियो में आप लोगों को दिए हैं, ये होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा 100 जोड़ लाभ प्रतिशत। ठीक है, क्या होता है 100 जोड़ लाभ प्रतिशत। अब देखिए विक्रय मूल्य हमारा कितना आया है, विक्रय मूल्य आया है कितना, उसका उतना लिख देंगे, तो बट्टा में क्या है 100 है तो 100 लिख दिए, और गुणे में क्या है 100, और बट्टा में 100 जोड़ लाभ प्रतिशत यानी कितना हो जाएगा 100 + 16 है, देखिए 100 से 100 कट जाएगा तो कटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हो गया 87 × 28 है कितना हो जाएगा 116, ये हो गया हमारा क्या चीज़, ये हमारा हो गया क्रय मूल्य, नहीं होगा तो और इसको कटा देते हैं, देखिए कितना से कट जाता है, देखते हैं इस कितना से कटेगा, ये देखिए
29 सेकंड जाएगा क्या? 9 दूना 18, 9 त्रि 27, देखिए तो 29 सेकंड रहा है, 9 त्रि 27 के साथ हर्षिल 2 3 2 6 7 8 29 में स्कोर जा रहा है 3 मरतबा में। अब 29 अगर चौका करते हैं तो 9 चौका 36, हाँ ये देखिए 29 चौका, 9 चौका 36 के 6 हर्षिल 3, 4 दूना 8, 8 3 11, ठीक है ये भी कट जाएगा, यानी ये कितना मरतबा में, 4 मरतबा में कट गया, यानी 3x बटा में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये हमारा क्या हुआ, क्रैमूल आ गया। अब क्रैमूल हमारा इतना आ गया, इसको रफ है इधर कर दीजिए, ठीक है तो क्रैमूल हमारा इतना आ गया, देखिए लाभ दिया है कितना, 30 रुपये का लाभ दिया है, तो लिखेंगे कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रयमूल माइनस का क्या होता है, क्रैमूल। तो देखिए विक्रयमूल हमारा लाभ कितना है, तो 30, विक्रयमूल हमारा कितना है, देखिए विक्रयमूल हमारा कितना आया है, विक्रयमूल आया है 87x/100, तो लिख दीजिएगा यहाँ पे 87x/100, और क्रैमूल कितना है, तो क्रैमूल है 3x/4, तो 4 लिख दीजिएगा। एलसीएम देखिए यहाँ पे 30 है तो 30 लिख दीजिए, बराबर एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 100, तो 87 एकम 87 हो जाएगा, और ये घटाओ यानी 25 चौका 100 होता है, यानी 25 दिया 75x हो जाएगा, ठीक है 25 दिया 75x। अब इसको घटा दीजिए तो 30 बराबर ये घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 12x/ में क्या हो जाएगा, 100। अब ये देखिए गुणा भाग में है तो इधर क्या हो जाएगा, गुणा में, यानी 30 × 100 बराबर क्या हो जाएगा, 12x। तो इसको सीधा कर दीजिए, 12x बराबर कितना, 30 × 100। अब x बराबर में 30 × 100 बटा में क्या हो जाएगा, 12। अब कटा दीजिए, देखिए 4 से कटाइएगा तो 4 से कटाइए यानी 4 × 5 = 20, 5 चौका तो 25 चौका, ठीक है अभी 5 से कटा दीजिएगा तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 3 × 6, गलती हो रहा है क्या, देखिए तो इसको 3 चौका 12, 25 चौका 100, 3 देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, देखिए यहाँ पे एक्स है तो 30 × 100 अब बटा में क्या हो जाएगा, 12, काट दीजिए 3 चौका 12, 3 दहियाँ 30, 4 से काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 25, यानी 25 × 10 है, यानी कितना हो जाएगा, 250। इतना रुपया जो है हमारा क्रय अंकित मूल था, ठीक है इधर पे क्या था हमारा, अंकित मूल था, कोई दिक्कत नहीं होगा इस सब क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है आप लोग देखिएगा बढ़िया से इसको सब समझ में आ जाएगा, देख रहे हैं केवल थोड़ा सा लॉन्ग इसमें लॉन्ग आ जा रहा है, ठीक है क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है इसीलिए लॉन्ग बना दे रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि एक घड़ी 124 रुपये में खरीदी गई, ठीक है 10 नंबर क्वेश्चन, 124 रुपये में खरीदी गई घड़ी के मूल्य को कितना बढ़ाकर बताया जाए कि 12% बट्टा देने के बाद भी 10% का लाभ हो, ठीक है आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, 10 नंबर क्वेश्चन है ना, देखिए सबसे पहले क्या है कि क्रैमूल हमारा दे दिया है, ठीक है तो क्रैमूल दे दिया है तो लिख देंगे कि क्रैमूल बराबर 124 रुपया, ठीक है बट्टा दर उसमें देखिए दिया है, बट्टा दर दिया है कितना, तो 12% बट्टा दर दिया है, और लाभ कितना दिया है, तो लाभ परसेंट दिया है आपका 10% दिया है, ठीक है 10% दिया है। अब हमको देखिए यहाँ पे निकालना क्या है, कह रहा है कि अंकित मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है कह रहा है कि बढ़ाकर बताया जाए कितना, अंकित मूल बढ़ाकर बताया जाए यानी अंकित मूल हमको निकालना है, तो लिख देंगे कि अंकित मूल बराबर एक्स, ठीक है अंकित मूल्य बराबर एक्स। देखिए अब क्या करेंगे कि हम विक्रयमूल बराबर जानते हैं, देखिए यहाँ पे क्रैमूल दिया है, ठीक है अंकित मूल हमको नहीं दिया है, ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे लाभ परसेंट भी दिया है 10% का, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि विक्रयमूल में वाला फॉर्मूला रखते हैं जिसमें हमारा क्रैमूल वाला सूत्र होता है, ठीक है तो विक्रयमूल बराबर होता है क्या चीज़, क्रैमूल गुणे 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा में क्या हो जाएगा, 100,
देखिए क्यों हम ये फॉर्मूला लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्रयमूल हमारा दिया है इसलिए ये फॉर्मूला को हम लोग लिया है, ठीक है। और लाभ परसेंट भी दिया है इसीलिए लिए हैं। अंकित मूल हमको नहीं दिया है तो अब इसको अंकित मूल के लिए लेंगे। देखिए क्रयमूल कितना है 124, तो 124 गुणा में 100 जो लाभ कितना दे रहा है 10%, तो 10% बटा में क्या हो जाएगा 100, तो 100 124 गुणे 110 बटा में क्या हो जाएगा 100, 100 से 0 कट गया। अब इसको गुणा कर दीजिए या ऐसे भी रहने दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 124 गुना 11 बट्टा में क्या हो जाएगा 100, ये हमारा क्या हुआ विक्रय मूल्य हुआ। इसको गुना भी करना चाहिएगा तो गुना भी हो जाएगा, लेकिन गुना नहीं करिएगा ऐसे ही रहने दीजिएगा। देखिए एक विक्रय मूल्य हम निकाल दिए क्रयमूल पर, अब एक और विक्रय मूल्य निकालेंगे अंकित मूल्य पर, ठीक है। तो विक्रय मूल्य बराबर होगा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य देखिए तो अंकित मूल्य हमारा कितना, देखिए विक्रय मूल्य हमारा आया है इतना, तो विक्रय मूल्य इतना ही लिख देते हैं गुना में 11 बट्टा 100 10 है। अंकित मूल कितना है, अंकित मूल नहीं दिया है, अंकित मूल हमको निकालना है तो अंकित मूल x है तो x गुणा में 100 बट्टा कितना है, बट्टा दे रहा है 12% का, तो बट्टा में 12% घटाओ। तो देखिए ये पहले सबसे पहले 124 गुणा 11 बट्टा में 10 बराबर x गुणा इसको करिएगा तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इतना गुणा इतना, देखिए गुणा भाग में है तो क्या हो जाएगा 10, ये गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 88 बराबर एक्स, कटा दीजिए 11 बटा 8 है 88, 8 से कटाइएगा 4 से कटाइएगा तो कट जाएगा 4 दुना 8, 4 3 12, 4 एकम 4 और 2 5 10 यानी 5 एकम 5 और 5 3 15 यानी 155 यानी एक्स बराबर क्या हो गया हमारा 155। यही क्या है हमारा अंकित मूल्य है, ठीक है। ये सिंपल में कोई दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए दोस्तों 11 नंबर हम डायरेक्ट बना देते हैं, क्योंकि थोड़ा स्टोरेज मोबाइल में कम है तो वीडियो कट जाएगा, इसलिए हम इसको थोड़ा सा जल्दी बना दिए। देखिए क्रयमूल मान लेंगे एक्स है, ठीक है। क्रयमूल जब हम एक्स मान लेंगे तो हमारा यहाँ पे देखिए 20% का क्या है अंकित मूल बढ़ा रहा है, ये भी 6 नंबर क्वेश्चन जैसा है सेम टू, ठीक है। तो इसको कटाइएगा तो इतना आ जाएगा। फिर विक्रयमूल निकालेंगे तो विक्रयमूल बराबर होता है क्या चीज़, अंकित मूल गुने 100 माइनस बट्टा दर, तो बट्टा दर 10% दिया है तो बट्टा 100 में से घटाएंगे 10 तो 90 हो जाएगा, और बट्टा में ये 100 है ये वाला 5 नीचे आ जाएगा तो घटाइए कटाइएगा तो इतना आ जाएगा। फिर लाभ बराबर देखिए लाभ हमको दिया है 48 रुपये, तो 48 रुपये विक्रयमूल बराबर विक्रयमूल माइनस क्रयमूल तो 48 है, और विक्रयमूल हमारा आ गया 27, ये विक्रयमूल इतना आया है और ये क्रयमूल हमारा एक्स माने हैं तो एक्स क्रयमूल घटाए हैं तो कितना आया 2x/25, और ये 48 ऑलरेडी है इसको घटाए हैं तो 2x/25 है, और इसको जब कट करिएगा काटिएगा जब तो इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो हमारा 600 आंसर आ जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल में आप समझ गए होंगे, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, चलिए थैंक यू।